हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे पूरे मशीन का सेटअप लाइव करके देखने वाले हैं, जिसे अगर आप चाहो तो इस बिजनेस को अपने घर के एक कमरे से स्टार्ट कर सकते हो और इस बिजनेस की मदद से यहाँ से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो हम इस मशीन का एक लाइव डेमो करके देखेंगे कि क्या है ये मशीन और इस मशीन की मदद से आप कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हो। बाकी दोस्तों, अगर हम इस बिजनेस के बारे में डिटेल्स में बात करें तो इस मशीन की मदद से जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे वो एक ऐसा धमाकेदार प्रोडक्ट होने वाला है जो कि आज के टाइम पर इंडिया के अंदर सभी जगह पर यूज होता है। तो ऐसे में अगर आप भी इस मशीन की सेटअप की मदद से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इस प्रोडक्ट को आप अपने मार्केट के अंदर बड़ी आसानी से सेल कर सकते हो और इस बिजनेस की मदद से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का ये बिजनेस आइडिया हम देख लेते हैं। तो इस बिजनेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए सर हमारे साथ है। हेलो सर, आपका स्वागत है बिजनेस की बात यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले आपके बारे में और आपकी कंपनी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, मेरा नाम मुनीत देसाई है, मैं हूँ जैक्सन मशीन से और हम फूड प्रोसेसिंग का मशीन बनाते हैं सारे, जैसे कि पानीपुरी, खाखरा, समोसा, रोटी मशीन, सब अलग अलग टाइप्स के ऑटोमेटिक प्लांट हम बनाते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के टाइम पर आपको अगर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो सर आज हमारे लिए एक ऐसा बेहतरीन मशीन का सेटअप लेकर आए जिसे आगे हम लाइव डेमो करके दिखाने वाले कि इस मशीन की मदद से किस तरह आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए सर, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस मशीन का लाइव डेमो करके हमारे व्यूअर्स को दिखा दीजिए ताकि उन्हें पता चले कि इस मशीन की मदद से वो अपना बिजनेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लाइव डेमो करके देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरह से बनाया जाता है। तो सर, इसका पूरा प्रोसेस आप एक्सप्लेन करिए। यहाँ पे हमने आटा लिया हुआ है, इसमें आटा, सूजी, मैदा सब डाला हुआ है डाली अंदर, और अभी इसके अंदर हम पानी डालेंगे। पानी डाल दिया हमने, ये आप देख सकते हो बाउल घूमना स्टार्ट हो गया है। ये घूमेगा उतना अच्छा ये आटे को घूमेगा। हम धीरा धीरा करके इसके अंदर पानी डालेंगे, हमको जितना चाहिए उतना पानी डाल देंगे ताकि प्रोडक्ट एकदम अच्छा बन जाए। यूज़ किया हुआ और हमने यहाँ पे ब्रेक दिया हुआ है, ये अगर ब्रेक आप लगा देते ना तो बाउल घूमना बंद हो जाएगा। तो सर, अगर इसमें टाइमिंग की बात करें तो कितना टाइम लगता है ये कंप्लीट होने के लिए आटा? सर, ये आटा अभी आप देख सकते हैं अभी 5 मिनट के अंदर ही कंप्लीट रेडी हो जाएगा, गूंथा हुआ कंप्लीट रेडी हो जाएगा। ओके, देखो ये आटा रेडी हो चुका है। अब ऐसे निकाल के हम ये नेक्स्ट प्रोसेस वाली मशीन के अंदर डाल देंगे। एक गूंथा हुआ आटा हमने यहाँ पे रख दिया है, अब इसको थोड़े से हल्के हाथों से सब प्रेस करके मशीन के अंदर हम डाल देंगे। देखिए, इस तरह से हाथ करके हम ये मशीन के अंदर डालेंगे। हमने जो आटा गूंथा था वो ये रोलर के अंदर डाल दिया, ऑटोमेटिक आप बेलेगा। आप इसका फिनिशिंग देख सकते हैं, 2 गुड आया है। इतना आप हाथ से बनाते हैं तो कभी नहीं आ सकता, ये सिर्फ पॉसिबल है जैक्सन के ही मशीन से। और आप फिनिशिंग देखिए, यहाँ पे कटिंग डाई दिया हुआ है, यहाँ पे कटिंग होगा। इसमें जो भी साइज चाहिए छोटी बड़ी सब इसमें जैक्सन मशीन से आपको मिल जाएगी। यहाँ पे कटिंग हो जाएगा और जो कटिंग होके डायरेक्ट पूरी हम अपने को यहाँ पे मिलेगी, और जो साइड का एक कतरन है ऑटोमेटिक ट्रे के अंदर चला जाएगा। तो सर, इसको रीयूज भी कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा बचता है इसको आप फिर से आगे आटा डाल दोगे ऑटोमेटिक वापस ऐसा पूरी बन जाएगा। और आप देख सकते हो कितना आसानी से ये पूरी उठा रहा है, और इसको इस तरह से उठा उठा के कतरन में डालना है और इसको 2 घंटे के लिए रखना है ताकि ये पूरी गल जाए और पूरी का जो क्वालिटी है बेस्ट आए। देखिए इसका फिनिशिंग जो है कितना बेहतरीन आया हुआ है। अच्छा, ओके, तो चलिए इसकी प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही यूनिक चीज दिखाने लाया हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये है इलेक्ट्रिक पूरी सगड़ी, यानी कि इसके अंदर गैस की आपको बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है इसको फ्राई करने के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ पर से पूरा कंट्रोल होता है कि इसको कितना लो में चलाना है, कितना हाई में चलाना है, किस तरह इसको फ्राई करना है। दोस्तों, फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको फ्राई करने के लिए आपको गैस की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और इसकी एक और बहुत ही अच्छी बात है कि इसके अंदर जो भी अपना ऑयल यूज़ होता है उसका भी कंजप्शन काफ़ी कम हो जाता है। तो प्लीज़ आप लाइव करके दिखाइए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर काफ़ी हाई स्पीड के अंदर काम स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, ये आपके बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने बिजनेस के अंदर ध्यान रखोगे तो आप अच्छी तरह से इसके अंदर प्रॉफिट कमा सकते। उसी के साथ में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कुछ ही मिनटों के अंदर यहाँ पर काफ़ी सारा स्टॉक यहाँ पर रेडी हो गया है। और उसी के साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी तरह से सेफ्टी और हाइजेनिक के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाथ का यूज़ नहीं होता, पूरी तरह सेफ्टी के साथ इसको फ्राई किया जाता है। और कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाइव ये फ्राई हो गया है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह इसकी पैकेजिंग होती है।
तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि काफ़ी सारे पैकेट्स यहाँ पर पैक हो गए, तो कुछ इस तरह आप भी इसे पैक करके मार्केट में सेल कर सकते हो और इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो। सबसे अच्छी बात रहती है क्वालिटी की, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हाथ से मैं तोड़ता हूँ, कुछ ही सेकंड के अंदर ये टूट जाता है और यही है इसकी क्वालिटी। अगर आप अच्छी क्वालिटी अपने कस्टमर को दोगे तो 100% आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल होने वाला है। तो सर यहाँ पर हमने हमारे व्यूअर्स को पूरा प्रोसेस दिखा दिया कि किस तरह एक आटे से हम इस तरह की पूरी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी आसानी से आप इस प्रोडक्ट को बना के मार्केट में सेल कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप भी इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो आप सर से हम कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आज के टाइम पर हमारे काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और अलग अलग है, काफ़ी सारी हाउस वाइफ है, काफ़ी सारे रिटायर्ड पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा यूथ है, तो वो इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में सबसे पहले बताइए। सर ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ आपको एक मशीन लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। और अगर कोई लेडीज़ है, छोटा घर है, कोई बड़ा घर, तो हमारे पास ऐसा छोटा मशीन भी है जो कि 40-50 हज़ार से स्टार्ट होती है, कम लागत में स्टार्ट होती है। तो अगर वो लेके भी वो स्टार्ट कर सकता है, अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई बड़े पाए पे करना चाहता है, होलसेल में करना चाहता है, तो जैसे कि हमने ये वीडियो में दिखाया तो ये भी पूरा सेटअप 1.5-2 लाख के अंदर पूरा सेटअप क्लियर हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं। ओके, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको अपने हिसाब से देखना होगा कि कितना आप इन्वेस्टमेंट करके कितना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। सर की तरफ से आपको 100% सपोर्ट मिलेगा कि जितना आपका बजट रहेगा उसी हिसाब से आपका ये बिजनेस सेटअप होगा। सर अगर हम बात करें कि आज के टाइम पर इस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड रहती है उसके बारे में बताइए। पानीपुरी को सर आपको भी पता है हर जगह पे हर कोई खाना पसंद करता है, चाहे छोटा बच्चा हो, लेडीज हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सारे लोग पानीपुरी तो खाते ही, तो इसका डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाला और एक हर स्टेट में खाई जाने वाली चीज है, जाके यूपी है, बिहार है, आंध्रा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट है, केरला है, गुजरात है, सब जगह पे पानीपुरी ऐसी चीज है, सब जगह पे खाई जाती है। ओके, यानी कि दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस होने वाला है जिसे आप इंडिया के किसी भी कोने से स्टार्ट करके यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। सर अगर हम प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें, जैसे कि हमने पूरा प्रोसेस देखा कि किस तरह से पूरी बनानी है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने काफ़ी सारे पैकेट्स यहाँ पर हमारे व्यूअर्स को दिखाने के लिए रखे, तो यहाँ पर एक पैकेट जो हम रेडी करते हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स इस बिजनेस को स्टार्ट करके एक प्रोडक्ट एक पैकेट रेडी करते हैं, तो इसका कॉस्टिंग उनको कितना आता है? सर देखो अभी जो हमने अभी रेडी किया ना, ये 100 पूरी का पैकेट है। ओके, और ये 100 पूरी को बनाने के लिए आपको 25 से 28 रुपए तक लागत आती है, सब कुछ टोटल मिला के अभी के टाइम के हिसाब से 28 रुपीज मैक्सिमम इतनी लागत, मैक्सिमम हमारा ये रेंट गण लो, आदमी का खर्चा, लाइट बिल सब करके 28 रुपीज के अंदर ये पूरा पैकेट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम बात करें मार्केट में कितने में ये सेल हो सकता है? अगर बड़ा होलसेल वाला है तो 40 में बेचेगा, अगर कोई रिटेल है तो 45-50 तक भी आज के टाइम पे बिकता है। ओके, यानी कि 50% के आसपास तो बड़ी आसानी से वो प्रॉफिट मार्जिन कमा सकता है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और जैसे कि सर ने बताया कि प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी डिमांड इंडिया में हर एक जगह पर है, तो आज के टाइम पर अगर आप अपना खुद का एक छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सर के साथ जुड़कर कर सकते हो। तो सर किसी को अगर हमारा ये वीडियो देख के ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो किस तरह से आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में बताइए। तो स्क्रीन पे नंबर दे दिया, हाँ जी सर, और हमको कॉन्टेक्ट करिए, हम आपको व्हाट्सएप पे सारा डिटेल्स जो हमको आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपका नया बिजनेस है तो किस तरह से कर सकते हैं वो भी आपको पूरी गाइड हम कर देंगे। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया तो अभी के अभी जो डिस्प्ले के ऊपर नंबर है वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, सर से बात कर सकते हो और इस बिजनेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से ले सकते हो। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज का ये बिजनेस आइडिया आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि आपके एक शेयर करने से किसी को एक अच्छा सा बिजनेस आइडिया मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।